ये देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और देखिए चाचा कितना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही खेती नहीं होता है, हमारे किसान लोग कितना मेहनत करते हैं ये देखिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है चांद और ये मेरा छोटा भाई लोग है, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले गांव का ब्लॉगिंग, तो दिखाएंगे आपको कि कैसा है और क्या हो रहा है हमारे गाँव में, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। बूम, तो ये देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नली नाला, ये देखिए पानी का सुविधा, पेड़ पौधा, छगरी उगरी सब कुछ सुविधा है। ये हमारा गांव का जनरल स्टोर जो नामी है, बुजुर्ग दादा हमारा। खेत खलिहान जा रहे, खेत खलिहान में दिखाएंगे कि लोग कैसे काम करते हैं और कैसे कादो कीचड़ में रह के अनाज उगाते हैं हमारे किसान लोग, ठीक है। चलिए एकदम मस्त दिखाएंगे अभी आप लोगों को। बाकी ये पूरा जगह दिखा रहे हैं, बाकी तो डेवलप तो बहुत ज़्यादा हो गया है। इधर काला रोड बन गया है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए गाय कुकुर सब मिलेगा, कोटरेक्टर वरेक्टर। इधर देखिए बोरिंग हो रहा है, सब कुछ मिलेगा देखने के लिए आपको। राइस राइस लोग भी है खेत खलिहान में, ये देखिए। अब हम आपको दिखाएंगे रियल कि खेत खलिहान में क्या क्या होता है, कैसे लोग उपजाते हैं और क्या क्या अभी लोग कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आप। ये देखिए दिख रहा है, चार पांच आदमी लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए। तो ये देखिए अभी पानी भर रहा है पूरा, ठीक है। आयो पानी भर रहा है अभी, इसमें हल जुताई होगा, किसान लोग आएगा और बढ़िया से एकदम धान उगाएगा। देखिए कोयला उला बिक रहा है सब कुछ, और आदमी लोग देखिए खेती करने के लिए कितना उत्सुक हो रहे हैं, क्योंकि बारिश भी अच्छा खासा हो रहा है। ये देखिए सब लगे पड़े हैं। ये हमारे गांव के नंबर वन आदमी थे, हैं। इधर भी देखिए, अरे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए ना अभी आप लोगों को देखिए, अभी यहाँ पे हल उल जुताई हो रहा है, सब कुछ लग रहा है, काफ़ी यूनिक। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, हम लोग और सुबह आना चाहिए था, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए। क्या बोलता है इरफान बाबू? ये देखिए कैसे खेती हो रहा है, भैया सांप बिच्छक बड़ी डर है एकदम, साला नदी तरफ आए हुए हैं, लेकिन हिम्मत करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं कि कैसे हल जुताई होता है और कैसे क्या हो रहा है इसको, ठीक है। आइए ये देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और देखिए चाचा कितना मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही खेती नहीं होता है, हमारे किसान लोग कितना मेहनत करते हैं ये देखिए। सुबह 5 बजे से आए हुए हैं और देखिए हल जुताई चल रहा है, ये देखिए काफ़ी मेहनत है। ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत है भाई सब चीज़ में। हम लोग साला पैसा कमाते हैं और तुरंत जाके चावल दाल खरीद के लाते हैं, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि कैसे वो चावल दाल आया है। ये लड़का लोग को चावल दाल का समझ आ जाएगा तो ड्यूटी। अरे चावल दाल सब एक है यार, ऐसे नहीं बोलो हमको। ये देखिए लोग मेहनत कर रहे हैं, ये देखिए। हम लोग को उधर जाने में कितना डर लगता है, और लोग वहाँ पे जाके खेती कर रहे हैं, हम लोग को डर लगता है कि साला सांप बिच्छा ये सब ना आ जाए, लेकिन लोग देखिए बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके दो रोटी मिलता है, ठीक है। ये देखिए ये नदी का पुल तो इस बार बना है, नहीं तो आदमी नदी पार करके जाता था, पार करके लोग जाता था, और कितना परेशानी होता था ये हमें लोग जानते हैं। अभी 2-3 साल पहले इस पुल पाल बना है, नहीं तो बाप रे बाप हालत ख़राब हो जाता था, क्या समझे। पानी अगर नदी भर गया तो कैसे आदमी पार होता था हम ही लोग जानते हैं, एकदम बहुत दिक्कत में थे लोग। लेकिन अच्छा हुआ कि इधर बन गया पुल उल, तो धन्यवाद जिसने बनाया,
और जिसने ये सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह निकाला बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और बाकी ये देख ही सकते हैं कितना अच्छा प्राकृतिक नेचुरल एकदम नेचर एकदम हरा भरा, कबाब बोलने जा रहे थे सॉरी, हरा भरा लग रहा है एकदम, कितना बढ़िया लग रहा है, देखिए देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। बस हम आप लोग से यही बोलेंगे कि कनेक्ट रहिए, ये नहीं कि आजकल के दुनिया में कनेक्ट हो जाइए, ऐसा नहीं, ऐसे जगहों में भी कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब शुद्ध हवा और मन को शांत। और आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे कैसे लोग, 7 दिन पहले बिहन लगा हुआ है और आ गया है अभी, मतलब लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। बाकी और भी दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से लेकर मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत है इसमें, ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत है, और हम लोग भी मेहनत करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए भाई लोग कितना मेहनत किया जा रहा है, ये देखिए ऐसी अनाज नहीं होता है, और हम लोग अनाज को यूं ही फेंक देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। कितना मेहनत किया जाता है, तो आप लोग से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे चांद ब्लॉग को, ठीक है। और हमारा एक और चैनल है हेवन टू अर्थ, ये कॉमेडी है, तो हम लोग ये सभी मिलके कॉमेडी बनाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तो 10 ही सब्सक्राइब है, ज़्यादा है नहीं, और वीडियो हम लोग काफ़ी मेहनत करके डालते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को प्रमोट कर दे और शेयर कर दे, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे।